सिर्फांचल में अपने किसी निजी कारण से उत्तर प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सिर्फांचल में पहुंचे हैं और इनसे तत्काल न्यूज ने उन्हें गुजारिश की थी कि सर एक कुछ एक दो पॉइंट्स पर अगर आप आए हैं तो हम लोग किसी मुद्दे पर चर्चा करें और इस बात का हम लोग बखूबी ख्याल रखेंगे कि दया शंकर सिंह जो है वो जब बोलते हैं तो लोग सुनने वालों की जो कतारें हैं वो बढ़ती चली जाती है। और सर आपको आपको पता होगा कि यहाँ पर दो दिन पहले ब्रिगेड हुआ था, बहुत विशाल समावेश हुआ था, कहा जाए तो नेताओं का कुंभ लगा था और बहुत सारे लोग जो है वहाँ यहाँ पर आकर रैली में शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली, वहाँ सभी ने एक नारा दिया 2019 बीजेपी फिनिश। बीजेपी के नेता क्या 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 कहना चाहेंगे? देखिए, आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने 70 सालों के जो आजादी मिली थी, जिन लोगों को आजादी का सही अर्थों में उनको अनुभव नहीं हो पाया, भले ही हम लोग राजनीतिक दृष्टि से ये देश आजाद हो गया था लेकिन आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अपने स्वाभिमान को भी जो ऊंचा स्तर उठाना चाहिए था वो 70 वर्षों में नहीं उठा, सब कुछ करने वाला आज एक ऐसा त्यागी देश का प्रधानमंत्री हुआ है। आज से 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो पूरे दुनिया में भारत महाभ्रष्ट देशों की श्रेणी में गिना जाता था। उस समय आप ये कोयलांचल है, कोयला घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, खेल घोटाला हुआ, आसमान से लेकर के पताल तक इन लोगों ने बेच दिया। पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई थी, उस छवि को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ठीक किया। आज दुनिया की कतार में भारत एक जो है अच्छे देशों में उसकी गिनती हो रही है। जिस अमेरिका में कभी हमारे देश के रक्षा मंत्री जनरल फर्नांडिस साहब या अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति जो है जब जाते थे तो सुरक्षा के नाम पर उनके कपड़े उतरवा लिए जाते थे, आज उसी अमेरिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो देश का वहां के राष्ट्रपति से लेकर सभी लोग स्वागत में खड़े नजर आते हैं। उन्होंने दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाई, सम्मान को बढ़ाया। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, छोटे छोटे काम है लेकिन आप इसको सोचिए तो कितनी बड़ी बड़ा काम उन्होंने किया। आजादी के 70 वर्षों के बाद किसी ने इसकी चिंता किया कि हमारी माताएं बहने सड़क के किनारे सोच में जाती थी, हमारी गाड़ी की लाइट उनके चेहरे पर पड़ती थी तो उनको किस तरह का मैंने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री आज स्वच्छता के कारण आज पूरे हिंदुस्तान के 12 करोड़ से ज्यादा उन्होंने शौचालय बनाने के काम, हिंदुस्तान के कितने ऐसे गांव हैं जो खुले से शौच से मुक्त हो गए, इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। उज्ज्वला योजना, आज जो हमारी माताएं बहने जो गरीब थी, जो अभी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता था उनके धुएं के कारण, उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो बीपीएल सूची की हमारी माताएं बहने थी, 5 करोड़ लोगों को उन्होंने गैस कनेक्शन और चूल्हा देने का काम। दया शंकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप सरकार की उपलब्धि गिना रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही है 2019 बीजेपी फिनिश। अब वही मैं कहना चाहता हूँ, तो जो आदमी इस देश को, इस देश के गरीबों के लिए मैंने इतना काम किया, मैंने मैं ये बता रहा हूँ, ये जो काम आपको मैं बता रहा हूँ ये गरीबों के लिए, ये कोई योजना पूंजीपतियों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए है। हमारे 1 रुपया में जीवन बीमा पॉलिसी, 1 रुपया महीने में 12 रुपया साथ, कन्या समृद्धि योजना, हमारी जो घर में बेटा पैदा होता खुशी मनाते, बेटी पैदा होती हम लोग मायूस हो जाते, इस तरह की सब चीज। अभी हमारे 18,000 गाँव ऐसे थे जो भी बिजली नहीं गई थी आजादी के इतने वर्षों के बाद, उसको बिजली जुड़वाने का काम, कोई किडनी और लीवर और हार्ट की बीमारी हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं करा सकता है तो उसको उसको इलाज के लिए पैसा, इस तरह की कितनी ऐसी गरीबों के लिए योजना बनाए। तो सभी विरोधी ये इतने भयभीत हो चुके हैं कि उनको ये लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री यदि 5 साल और रह गया नरेंद्र मोदी तो इस देश के अंदर ये भ्रष्ट राजनीतिकों का सफाया हो जाएगा, इसलिए ये सब मिलकर के इकट्ठा होकर के नरेंद्र मोदी को रोको। इन लोगों का एक नारा है कि नरेंद्र मोदी को रोको, और नरेंद्र मोदी का नारा है कि देश से गरीबी हटाओ, देश में जो हमारे शिक्षा का वातावरण बनाओ,
रोटी कपड़ा और मकान जो नारे लोग देते थे उसको साकार करो, इस तरह के जो काम हो रहा है, इसलिए सभी को घबराहट में, और मैं भी इसमें आया हूँ, अभी मुझे पता चला यहाँ पर इस तरह की स्थिति ममता बनर्जी खुलेआम या वो फिर वो करके कोयला बेचा जा रहा है अपने एक 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 अपनी गरीब परिवार में पैदा होने वाली हम लोग तो जानते थे कि बहुत ही ये मैं संघर्ष उसके निकल करके आई है और आम जन के लिए करेगी, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ भ्रष्टाचार जरूर सिखा पर मैं बंगाल में हूँ, तीन दिन से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ किस तरह की भ्रष्टाचार मचा हुआ है, खुलेआम यहाँ की पुलिस यहाँ की व्यवस्था आज जो है बिना पैसे के लोगों को काम नहीं हो रहे, तो ये चीजें जो है आज मोदी जी ने आज पूरे देश के जब दीदी ने ब्रिगेड एक आवाज दिया ब्रिगेड में तो लाखों की भीड़ जाते श्री रामचंद्र जी भी जब गए थे तो सभी लोग मिल तो पहले एक एक करके छोड़ने की कोशिश किए और जब धनुष नहीं टूटा तो सब मिलकर के तोड़ने की जो है रणनीति बनाए और आप उसका आज आप जानते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जब रामचंद्र जी खड़े हुए तो धनुष किस तरह से हुआ, उसी तरह आज जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी है चाहे कितने भी ये लोग एक हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी की कार्य से नरेंद्र मोदी के ईमानदारी के सामने नरेंद्र मोदी के त्याग के सामने सब मिल करके भी कुछ नहीं जा सकते। आज देश में तपस्वी आप बताइए किसके कितने भाई हैं, कोई जानता नाम, मैं आपसे पूछूं कि जे जे भाई है, जे भाई का नाम बता दीजिए, आप नहीं बता सकते, उनकी माँ एक छोटे से कोठरी में रहती है, प्रधानमंत्री आवास में कोई परिवार का नहीं रहता, 12 साल आदमी मुख्यमंत्री रहा उसका परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास को नहीं समझा, इतना बड़ा त्याग कौन किया है देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी, कोई व्यक्ति नहीं, आज दुनिया में भारत को उन्होंने आज सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में खड़ा करने का काम किया, हमारे भारत का मैंने कहां पर मैं खड़ा था आज जो है अब छठवें सत्रवें मैदान पर आ गए पूरी दुनिया के साथ, तो आज इसलिए जो विरोधी भयभीत है और चाणक्य जी ने भी कहा है कि जिस देश के राजा के खिलाफ में जब सभी एक होने लगे तो आप समझ लीजिए कि राजा एक दिल का है, राजा राम राज का स्थापित करना चाहता है और वो जो है उसके कार्य इतने अच्छे हैं कि आप अकेले कोई नहीं कर सकता, बिगाड़ सकता तो सब मिलकर के बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता है सब देख रही है, मोदी जी के कार्यों को देख रही है और 4.5 वर्षों में कोई भी भ्रष्टाचार को नहीं देख पाया, एक राफेल पर बात करने के लिए राहुल जी को राफेल आप भाई कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बेटा आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने क्लीन चिट दिया कि इससे प्रादर्शी इससे बेहतर दिल हो ही नहीं सकती है, तो आज ये मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में लोगों के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं और खाली भाई कैसे साफ हो जाए। चलिए बंगाल बंगाल वन भूमि में है जयशंकर जी और मैं आपसे जानना चाहूंगा तो आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के सामने पूरा विपक्ष जो है धराशायी हो जाएगा, लेकिन जो विपक्ष है वो दीदी को यानी ममता बनर्जी को दीदी फॉर पीएम कैंपेन की तरह देख रहा है और पश्चिम बंगाल में दीदी हम दीदी वाले कैंपेन चल भी रहा है, दीदी फॉर पीएम का कैंपेन चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद अगर सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कोई महिला नेत्री के तौर पर भारतवर्ष में किसी का उजागर हुआ है तो इस बार 2019 में दीदी फॉर पीएम हो सकता है, आप क्या कहेंगे। अरे आप क्या कहेंगे, वो तो जितने आए थे एको नहीं बोले कि दीदी को पीएम बनाओ, तो जितने आए सब अपने पीएम बनने की ख्वाब देख रहे हैं, जिस तरह से भाई धनुष भाई जो ये सीता जी के धनुष तोड़ने के बाद भाई स्वयंपर किसके साथ होगा जब पिंक के कटरे उभर के तोड़ोगे ये तो तय कर लो, तीनों को ने कहा तो उसको बाद में तय कर ले, पहले हम लोग मिल के धनुष को तो उठावे, तो उसी तरह से ये लोग भी कर रहे हैं कि पहले मोदी को हटाओ फिर बाद में तय कर लेंगे ये कौन बनेगा, ये तो दीदी ने भी कहा कि भाई पहले मोदी को हटाओ फिर हम लोग तय करेंगे, वही बोलते हैं ना दीदी को बना रहा है न सब अपने बनने के लिए ख्वाब सपने देख रहे हैं, और मेरी लाल क्या सीन सपने जिसके जो जो 30-40 सीटों पर लड़ने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री का सपना देखे तो उसे